સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી પાસે બનાવેલ સરદાર પટેલ ઝૂલોજિકલ પાર્ક 375 એકરમાં ફેલાયેલ છે અને સેંકડો દેશ વિદેશના પ્રાણી પક્ષીઓને યોગ્ય રીતે સંરક્ષણ અને સંવર્ધનની પ્રવૃત્તિની સાથે સાથે જનજાગૃતિના શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પણ હાથ ધરવામાં આવે છે। હાલના સમયમાં ઉનાળામાં અત્રે સમાવેશ કરાયેલા સેંકડો પ્રાણી પક્ષીઓની એક પરિવારજનની જેમ સવિશેષ કાળજી રાખવામાં આવી રહી છે। प्रत्येक प्रजातिना प्राणी पक्षीओ माटे खास डाएट प्लान अंतर्गत खास भोजननी व्यवस्थाओं करवामां आवी रही छे। केटलाक विदेशी वांदर प्रजाति अने पक्षीओ माटे खास प्रकारना फरोना रस अने फरोने भोजन करीने तेना आइस क्यूब अने पॉप्सिकल्स बनावीने पण आपवामां आवी रह्या छे। आ साथे साथे प्राणी पक्षीओ जागृत रहे ते माटे तेमनी मनपसंद प्रवृत्तिओ पण हाथ धरवामां आवी छे। जंगल सफारी में रहेला तमाम प्राणी पक्षीओं ने गर्मी में रक्षण मळे छे ते माटे जरूरियात मुजब एरकूलर एसी पंखा सहित आधुनिक सुविधाओं ऊभी करवामां आवी छे अने विदेशी और भारतीय बर्ड एवियरी और केटलाक पिंजराओं में खास स्प्रिंकलर मूकीने पाणीनो सतत छंटकाव पण करवामां आवी रह्यो छे, जेना कारणे पाणी पक्षीओने गरमी सामे रक्षण मळी रह्युं छे। प्रत्येक पिंजरा में नाना मोटा पाणीना तराव बनाववामां आव्या छे। हिप्पोपोटेमस, भारतीय गेंडो, भारतीय घोर अने रींछ तथा हरण सहितना विभाग में आवेल तराव आ प्राणियों ने गरमी अने लू सामे रक्षण आपी रह्या छे। तो अत्रे आवेल पिटजोन खाते नाना प्राणी पक्षीओ के जे मोटा भागे विदेशथी लाववामां आवेल छे जेमना माटे पण एरकूलर सहितनी व्यवस्था ऊभी कराई छे। ज्यां जरूर होय त्यां पतराना शेड बनाववामां आवी रह्या छे। जगताप टीवी राजपिपरा। मेरा नाम विपुल चक्रवर्ती है, मैं निर्देशक सरदार पटेल जोलॉजिकल पार्क स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। जैसे आप लोगों को मालूम है कि गर्मी का मौसम चल रहा है और मई सबसे गर्म मौसम माना जाता है, जो कि फिर जून में मानसून से फॉलो अप होता है। तो इस मई महीने में हमारे यहाँ पे विभिन्न देशों से जो पक्षी और दूसरे जीव लाए गए हैं दर्शकों के लिए यहाँ पे हम लोग रखे हुए हैं, तो उनके रखरखाव में हम लोगों को काफ़ी वेरिएशंस करना पड़ता है, जिससे कि गर्मी से इन लोगों को कोई दिक्कत ना हो। तो जिस तरह ह्यूमंस में हम लोग एसीज़ का इस्तेमाल करते हैं, डेजर्ट कूलर्स का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह इन जीव जंतुओं के लिए भी एसी का भी प्रोविज़न किया गया है, डेजर्ट कूलर्स का भी प्रोविज़न किया गया है। माइक्रो क्लाइमेट क्रिएट करने के लिए मिस्टिंग्स और उस तरह से वाटर स्प्रेज किए जाते हैं खासकर पक्षियों के पिंजड़ों में, जिससे कि वहाँ का एक तापमान एक निर्धारित उसी में मापदंड में रहे और वहाँ पे एनिमल्स को कोई दिक्कत ना हो। साथ ही में इनका जो दिनचर्या रहता है, अत्यधिक गर्मी के कारण इनका दिनचर्या जिससे ये ना खराब हो और इनका नॉर्मल वे ऑफ लाइफ कंटिन्यू करें, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनरिचमेंट करते हैं, जिसमें आजकल खास एनरिचमेंट किया जा रहा है फ्रोज़न फ्रूट्स का, जो हम बंदरों में दे रहे हैं, पक्षियों में दे रहे हैं, जिससे कि वो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें व्यस्त रहते हैं अपने खाना को वो बर्फ़ के उसमें से निकालने में। तो इससे उनका वो वे ऑफ लाइफ भी कंटिन्यू रहता है, एक्टिव रहते हैं पूरे दिन। और साथ में जो मेडिकल अटेंशन है, हमारे यहाँ एक टीम ऑफ डॉक्टर्स हैं जो 24 घंटा इनका हेल्थ का, स्वास्थ्य का मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और साथ साथ में अगर उनको लगता है कि भाई कोई एनिमल डिहाइड्रेटेड हो रहा है तो तुरंत उसका निवारण भी करते हैं और उस तरह से एनिमल्स का देखरेख यहाँ पे समर में हो रहा है।